मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू रीना के संग। रीना के संग रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से, और चैतन्या की जो है बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। चैतन्या का रात को फिर से फीवर आया। चैतन्या और ये सब मम्मा की गलती थी। मम्मा ने पंखा बंद करके मुझे घर में रखी तो हाई फीवर वापस से बूटा। अच्छा तो दोस्तों, चैतन्या को फिर से फीवर हो रहा है, तो इसको मैं ले जाऊंगी आज हॉस्पिटल दोबारा से, और इसका कराएंगे ब्लड टेस्ट, है ना। ब्लड टेस्ट कराएगा? नहीं डरेगा तो नहीं, नहीं। अरे सुनो फ्रेंड्स, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं अभी मेरे को बुखार हो रहा है, पर अंदर से मैं बिल्कुल ठीक। मम्मी समझती है, मम्मी सोच रहे कि मैं झूठ हूँ। तो दोस्तों, इसको पता क्या, इसको ना ब्लड टेस्ट कराने से डर लग रहा है। इसको फीवर रात भर था, मैं परेशान हो गई। बार बार फीवर आ रहा था, इसको मेडिसिन दी, फिर अभी भी इसको फीवर है देखो। और ये कह रही नहीं है, क्योंकि इसको डर लग रहा है कि इंजेक्शन के थ्रू ब्लड निकालेंगे और उसका ब्लड टेस्ट करेंगे। तो आज का सबसे पहला टास्क यही होने वाला है कि मैं चैतन्या को लेके जाना है मुझे, मैंने और फर्स्ट टाइम चैतन्या का ब्लड टेस्ट होगा मतलब मेरे सामने, और पहले क्या होने वाला है। होपफुली रिपोर्ट बिल्कुल बढ़िया आए, कुछ ऐसा बेकार ही चीज़ ना हो यार। दोस्तों, सोच के भी डर लग रहा है ऐसा कुछ ना हो। जो डेंगू वेंगू का सीन चल रहा है ना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। आप सबको प्रेयर करनी है मेरी बेटी के लिए, ठीक है ना। तो चैतन्या को आज हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। और चैतन्या को क्या खाना है ब्रेकफास्ट में? डोसा। तो चैतन्या को खाना है डोसा, तो मैं फटाफट तैयारी करती हूँ डोसा बनाने की। मैं बनाऊंगा अपने बच्चा के लिए डोसा। तो दोस्तों, अब मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट, और इसमें मैंने चढ़ा दिया है सांभर। यहाँ पे बन रहा सांभर, ये रहा है आलू, और आलू में बनेगी अब सब्जी जो हम डोसे के बीच में डालते हैं ना, वो वाली सब्जी बनाने वाली हूँ। और इमली बना के रखी है, तो फटाफट चैतन्या के लिए डोसा बनाती हूँ, सांभर बनाती हूँ। तो देखो दोस्तों, चैतन्या छोला है। चैतन्या फीवर कैसा है? देखो जाओ जल्दी जल्दी, हेलो बोला। हेलो। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि मम्मी ने मुझे कैसे उठा दिया। जब मुझे फीवर भी था तो मम्मी ने उठा दिया मुझे। मैं बार बार सो जा रही हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया। और ये देखो फ्रेंड्स, मुझे बहुत दर्द हो रहा है इसके चक्कर में, एक दाना सा हो गया है। फूट जाए तो जल्द से जल्द पहले प्रे करना कि जल्द से जल्द फूट जाए। और कैसे हो आप सब? लव यू सारा, आगे बोरा है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बना रही हूँ बढ़िया सा डोसा। तो ये है अनियन, और साथ में डोसे की सब्जी भी बनी हुई है। तो ये रहा बैटर, अब मैं डालूंगी इसमें डोसे का बैटर। तो ये मैंने बनाया था डोसे का बैटर। तो देखिए, यहाँ पे बनी है आलू की सब्जी, यहाँ पे है सांभर, डिलीशियस सांभर बनाया है मैंने ये, बिल्कुल घर में बनाओ ये सांभर। तो देखो फ्रेंड, जब ये बन जाता है तो ऐसे साइड से इसके निकल जाते हैं, और ये उड़ गया है ना, देखो कैसे उड़ गया, तो इस तरह से उड़ जाता है। और ये देखो कितना क्रिस्पी और जो करारा है, ये मेरा डोसा बन के तैयार हुआ है। देखो कि जो है वो डोसा बन के तैयार हो गया। इसका साउंड सुनाओ, क्रंचीनेस का साउंड देखा। तो फ्रेंड्स, ये डोसा और आलू की सब्जी, डोसा और ये सब चीज़ें जा रही हैं चैतन्या के लिए, क्योंकि चैतन्या नारियल की चटनी नहीं खाती है, इसलिए मैंने नारियल की चटनी नहीं खा डाली है इसमें। कैसे है बिटर, कैसे बनाया डोसा, टेस्टी है? ये नारियल की चटनी नहीं खाती है, इसलिए तो नारियल की चटनी नहीं दी। तो ये डोसा खाएगी और सांभर, है ना। अब दूसरा डोसा देख लेते हैं क्या कर रहा है दूसरा डोसा। तो देखिए दोस्तों, दूसरा डोसा बन रहा है,
तो फ्रेंड्स पापा भी खा रहे हैं डोसा, पापा सो के उठ गए हैं। चैतन्य की थोड़ी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही है, तो हम सोच रहे हैं कि उसका को उसका जो वो डेंगू का टेस्ट है 24 घंटे के बाद ही कराए, नहीं पापा कम से कम 24 घंटे का वेट करते हैं उसके बाद कराते हैं। कैसे बनाए? अल्टीमेट। आज मैंने दाल वाला सांभर बनाया विदाउट सब्जी, अच्छा लग रहा है। हम रोज तो खाते नहीं, कभी कभार डोसा बनाते हैं। दोस्तों ये मत सोचिए कि सुबह उठते के साथ ही खाना खाते हैं, जैसे ही मैं ऑफिस से आता हूँ पहले टूथब्रश करता हूँ, मुंह धोता हूँ, उसके बाद मैं सोता हूँ और कहता हूँ, फिर मैं उठता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। तो अब नीचे एक और डोसा बन रहा है, मैं जल्दी से जाती हूँ डोसा लेके आती हूँ पापा के लिए, और करारे क्रिस्पी डोसा। कैसा क्रिस्पनेस, कैसा है? क्रिस्पी एकदम टमाटर लेके आती हूँ। तो ये आ रही है हैप्पी दीदी हैप्पी दीदी डोसा खा रही है। और दोस्तों मैं उठ चुका हूँ, पूरे होश आवाज में हूँ, आंखों में अभी भी थोड़ी बहुत जलन है, वहाँ अपनी थोड़ी सी नींद में बाद में पूरी करता हूँ। और क्या बताऊँ दोस्तों, बस ऐसे ही हमारे को सराहते रहिए और हमारे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, रीना के साथ हरदम रहें। और क्या बोलूं, क्या बोलना चाहोगे आप, क्या बोलूं मैं? चुप हो जाओ। हाय जुच्चू। हाय। हाउ वाज योर फिजिकल कंडीशन नाउ? नाउ इट्स अ लिटिल बेटर। ओके तो देन कवर योर। अरे वो बोल रहे कि अर्जेंट है, हाँ, तो जाएंगे वो एक मिनट में, ऐसे नहीं जाते। तो दोस्तों, तो फ्रेंड्स हमारे पड़ोस में कोई बच्ची है जो स्टडीज़ के लिए कैनेडा जा रही है, तो उसका वेरिफिकेशन आया हुआ है उसके पासपोर्ट का, भतीजी है हमारी, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए मैं भी जा रही हूँ कैनेडा, जा रही कैनेडा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों पूरे दिन आज काम में ही निकल रहा है, ब्रेकफास्ट बन चुका है, ब्रेकफास्ट खा लिया है, ब्रेकफास्ट खाने के बाद अब शुरू हो गया है काम और भी ज़्यादा। और अब मैं धो रही हूँ यहाँ पे कपड़े, अब लगी है मशीन और मशीन में धोऊंगी कपड़े। तो देख रहे हो आप लेडीज़ के लिए संडे का दिन भी कैसा होता है। तो चैतन्य की तबीयत थोड़ी ऐसी है, अभी फीवर हो रहा है, तो इसलिए उसको थोड़ा रेस्ट कराने की बहुत ज़रूरत है। बस होपफुली उसको डेंगू वेंगू ना हो, बहुत डर लग रहा है क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेंगू भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस चीज़ से भगवान मेरी बेटी को बचाए, क्या सारे बच्चों को बचाए। दोस्तों ध्यान रखो बच्चों का, क्या करें, सिचुएशन ऐसी हो गई है, काफ़ी परेशानी रहती है। तो अपने ऊपर धोने के बाद इवनिंग में नहाऊंगी। देखो मैंने थोड़ी ऑयलिंग भी कर ली है, बालों की ऑयलिंग कर दी है, अब थोड़ा कपड़े धुल जाएँ उसका फ्री होके फिर करूँगी। और यहाँ पे देखो दोनों पापा बेटी जो है वो काम में लगे हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं दिखाती हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे दोनों पापा बेटी यहाँ पे देख रहे हैं मालगुड़ी डेज, क्या देख रहे हो? ये मालगुड़ी डेज की जो स्टोरी नहीं आती थी जो दूरदर्शन पे, वो देखी जा रही है। पता है रंगा, मैं इस घड़े को रोज घिस घिस के धोती हूँ मिट्टी और इमली से, इसीलिए तो ये सोने की। और ये चैतन्य को दिखाई जा रही है, तो चैतन्य का फीवर हो रहा है इसलिए उसे कंप्लीट रेस्ट हम आज दे रहे हैं। उसका कल एग्जाम है, तो प्लीज मैम थोड़ा फॉरगिव करना, क्योंकि तो बच्चे की तबीयत बहुत सच्ची में बहुत ज्यादा खराब है, तो उसको थोड़ा रेस्ट देना जरूरी है। तो चैतन्य की टीचर अगर देख रही हैं तो वो भी समझेंगी, क्योंकि चैतन्य की सच में तबीयत खराब है, वो कल एग्जाम पता नहीं कैसे देगी, उसका इंग्लिश का टेस्ट है, होपफुली अच्छा कर लेगी, थोड़ा बहुत कर लेगी, जो गलती होगी तो क्या कह सकते हैं, इसलिए उसको रेस्ट करा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, तो बस फटाफट काम करते हैं। 2000 years later. तो फ्रेंड्स सारा काम खत्म हो चुका है और अब मैं नहा के आ गई हूँ। आज पूरे दिन आपने देखा सिर्फ भाग दौड़ काम, अब जाके थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, अब थोड़ा बैठूंगी। तो साथ में मैंने बना ली है अब कॉफ़ी पी के थोड़ा आराम करेंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आ जाएगी वो वाली वीडियो की एडिटिंग करूँगी। नहा के बहुत हल्का फील हो रहा है क्योंकि कपड़े धो धो के सारी गीली हो गई थी इसलिए नहा ली। ये है कॉफ़ी और ये दोनों पापा बेटी सो रहे हैं, चैतन्य भी सो रही है, उसके पापा भी सो रहे हैं, पापा धीरे धीरे मुस्करा रहे हैं। पापा उठो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी कॉफ़ी
खुशबू तो आ गई होगी नाक में कॉफी की, नहीं आई? अब उठ भी जाओ, कॉफी पी लो। हाय, ये कौन चोर है? ये एंजल किसका जैकेट पहन के चला है ये? पापा गरम गरम जैकेट। फीवर कैसा है? अब दोबारा तो नहीं आया? गया? अब तो नहीं हो रहा ना? फ्रेंड्स आप लोग भी ध्यान रखो, अपने बच्चों को पूरे कपड़े पहनाओ, गर्म रखो, फैन कम चलाओ, बच्चों को डेंगू से बचाओ, है ना? फुल स्लीव के कपड़े पहनो और फुल पैंट्स पहनो, जैसे चैतन्या ने नहीं पहनी थी ना, ये शॉर्ट्स पहन रही थी इस वजह से इसको फीवर आया। अब ये भी शॉर्ट्स नहीं पहनेगी, फुल ड्रेस पहनेगी, नहीं चैतन्या? और दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बच्चों को बिल्कुल भी बाहर ना भेजें, इवन खेलने के लिए भी बाहर ना भेजें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो फ्रेंड्स ये मेरा डिनर है आज का, डोसा और सब्जी और सांभर, और ये मेरा फ़ोन का स्क्रीन और ये मेरा वाटर। तो आज का डिनर यहीं रहेगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ रिव्यू करके। सो फ्रेंड्स जैसे मैं बोल रही थी कि मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगी, सो ये देख लो मैं अभी तो ड्यूसर बहुत ज़्यादा हॉट है, थोड़ी सी सब्जी के साथ, बस थोड़ी सी। ये नमी। तो फ्रेंड मेरा छोटा बेबी ये लग रहा, मेरा छोटा बेबी, मेरा छन छन, मेरे छोटा बेबी की तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है दोस्तों। मेरी तबीयत ठीक नहीं तो हम क्या ब्लॉग बनाए, मेरा तो सारा दिमाग जो है वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि जब घर का बच्चा बीमार होता है दोस्तों तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें, दिमाग की दही हो रखी है इस टाइम, बिल्कुल भी नहीं दिमाग चल रहा है, ना तो ब्लॉग बनाने का मन कर रहा है ना कुछ और करने का मन कर रहा है। जैसे ही मेरा सोना ठीक होगा ना तो फिर उसके बाद मैं सब कुछ करूँगी, इसीलिए मैंने आज कुछ खास किया नहीं है, आज कुछ खास हुआ नहीं है, बस पूरा दिन जो है जितने कामों में निकल गया और आज का दिन पूरा हमारा ऐसे निकल गया, जितना कि केयर करने में, घर के काम में। तो गुड नाइट दोस्तों, रीना के संग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और रीना के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।